नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की एक्सप्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सराफा बाजार में सोने का क्या भाव चल रहा है और इसी के साथ में आज की कुछ काम की खबरें निकल कर आ रही है, तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 15 अगस्त 2019 और ऐसे में आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां। चलिए तो आज की पहली खबर है मौसम विभाग का अलर्ट, दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में अगले 4 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और इसी के साथ में मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 14 और 15 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया है। 15 अगस्त को यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात रीजन और कोंकण एंड गोवा, अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश हो सकती है। चलिए तो अगली खबर है, अब 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी राजधानी और शताब्दी ट्रेनें, रेलवे ने तैयार किया तेज रफ्तार वाला स्वदेशी इंजन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला इंजन तैयार कर लिया है और यह इंजन पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है और इससे राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की गति को इजाफा किया जा सकेगा। सरकार ने मंगलवार को बताया कि इस इंजन में पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर फैक्ट्री में तैयार किया गया है। रेल मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि नए लोकोमोटिव इंजन में प्रीमियम ट्रेनों का अधिक गति से संचालन हो सकेगा। चलिए तो अगली खबर है, इस शहर में बिजली चोरों की अब खैर नहीं, ड्रोन कैमरे से पकड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली वालों को सस्ती बिजली का तोहफा दिया है। अगर एक परिवार एक महीने में 200 यूनिट का इस्तेमाल करता है तो इसे कोई भी चार्ज नहीं चुकाना पड़ता है, लेकिन जो लोग दिल्ली में बिजली की चोरी करते हैं उनको सरकार ड्रोन की मदद से पकड़ेगी। चलिए तो अगली खबर है, कौन है पीएम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन, 24 सालों से बांध रही है उन्हें राखी। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं से लेकर स्कूल की लड़कियां तक राखियां भेजती है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो सीधा आपके दिल को छू जाएगी। पाकिस्तान की एक महिला जिसका नाम कमर मोहसिन शेख है, वह लगभग पिछले 24 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही है। कमर मोहसिन शेख मूल रूप से पाकिस्तान की है। शादी के बाद से वह भारत आ गई थी और तभी से भारत में रह रही है। उनके पति एक पेंटर है। मोहसिन और पीएम मोदी की मुलाकात उन दिनों हुई थी जब मोदी जी आरएसएस में काम करते थे और तभी से पिछले 24 सालों से मोहसिन पीएम मोदी को राखी बांधती आ रही है। चलिए तो अगली खबर है, खुशखबरी, मात्र 59 मिनट में होम और पर्सनल लोन देगा ये सरकारी बैंक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जारी बयान में कहा है कि बैंक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल प्रोडक्ट जैसे हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन मात्र 59 मिनट में ग्राहकों को मुहैया करवाएगा। चलिए तो अगली खबर है, मुशरफ के रिश्तेदार की शादी में गाने के बाद मीका पर देश में गाने पर पाबंदी लगी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तो इसका असर दोनों देशों के कलाकारों पर भी पड़ता है और इस बार निशाने पर सिंगर मीका सिंह है। हाल ही में मीका सिंह ने कराची की एक शादी में परफॉर्मेंस किया था और यह शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशरफ के किसी रिश्तेदार की थी। कुछ रिपोर्ट की माने तो इस शो के लिए मीका सिंह ने 1,06,000 रुपए लिए थे। पाकिस्तान में मीका सिंह के शो करने पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी और इस पाबंदी के मायने मीका सिंह को किसी भी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया जाएगा। दरअसल फिल्म एसोसिएशन का कहना है कि जब दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है तो ऐसे में मीका सिंह को पैसे के ऊपर देश का सम्मान देखना चाहिए था और रखना चाहिए था। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए तो अगली खबर है, असली नकली दवाओं की पहचान होगी आसान, एपीआई और क्यूआर कोड लगाना होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने दवाओं के अंदर इस्तेमाल होने वाला एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि जो दवा में रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बारे में जानकारी के लिए एपीआई लगाना अनिवार्य होगा और इसी के साथ में दवा के ऊपर क्यूआर कोड लगाना भी अनिवार्य होगा, जिसकी मदद से ये जाना जा सकेगा कि दवा कब एक्सपायर होने वाली है और इसी के साथ में इस दवा में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है। चलिए तो बात करें सोने चांदी के भाव की, तो 22 कैरेट के अनुसार 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 3,650 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 29,200 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 36,500 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,65,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,770 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,160 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37,700 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,77,000 रुपए 24 कैरेट शुद्ध सोने की प्राइस चल रही है। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में सोने के भाव की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत के तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने बनाया था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और
जी सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और भी ढेर सारे इनाम के साथ में पेटीएम कैश भी। और हाँ दोस्तों, विजेताओं के नाम जल्दी प्रकाशित किए जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए तो बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वही बात करें चांदी के भाव की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार आज चांदी का भाव 44,310 रुपये पर चल रहा है।